चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करो. एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम प्लेट ए एज शोन इन द फिगर. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड दोनों प्लेट के बीच की ये वैल्यू इसकी. द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीच बी विल बी नियरली. ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया ए पॉइंट से. ये जो प्लेट है ना ए, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया. तो ऑब्वियस सी बात है, रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे थी यानी जीरो थी. ठीक है, ए प्लेट से फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई. ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू ई के बराबर है. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई अपॉन एम. और क्यू की वैल्यू ई के बराबर है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई कैपिटल ई अपॉन एम. अच्छा ई बाई एम क्या है, स्पेसिफिक चार्ज ध्यान रखना इस बात को. मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ई अपॉन एम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज. ठीक है, याद रखना. तो यहाँ ई अपॉन एम है ई. अच्छा अब मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करें. वी स्क्वायर इक्वल टू इधर लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. अच्छा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ऑब्वियस बात है क्योंकि रेस्ट पे था. तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2as या v इक्वल टू अंडर रूट में 2as. a की वैल्यू रखा जाए, a की वैल्यू कितनी आएगी, e अपॉन m इनटू कैपिटल n कैपिटल e इनटू s. s की वैल्यू अभी निकाल के रख दिया जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है. s इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो SI यूनिट में 2 मीटर होगा ना, 10 टू पावर माइनस 2 मीटर. 2 सेंटीमीटर करेक्ट है, माइनस 2 मीटर, ये ध्यान रखना माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू. जो इक्वेशन आ रहा है हमारा 2 इंटू ई अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन एम की वैल्यू जो क्वेश्चन में 1.76 10 टू पावर 11 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू पावर 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इलेक्ट्रॉन का, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर. तो वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 1.76 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 2 प्लस 4 15 माइनस 2 13 प्लस 13. ठीक है, अब 4 का है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, 4 6 24 2 7 4 28 28 10 2 30 3 एंड 4 एंड 7. ठीक है, दो डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया इंटू 10 टू पावर 13 करेक्ट है. ये हो गया वी करेक्ट है. अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 704 नहीं, इसको क्या मैं लिखूँ 70.4 इंटू 10 टू पावर 12 ऐसे लिख सकता हूँ, सही है ना, गलत ही ना लिख रहा हूँ, देख लो एक बार चेक. और इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट तो होगा 10 पावर 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 टू पावर 6 होगा. चलो जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है ना. चलो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, क्या होगा सबसे पहले 70.4 है, 70.4 है, इसका स्क्वायर रूट हमको चाहिए. स्क्वायर रूट कितना होगा, 8.39. चलो चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू 8.39 इंटू 10 टू पावर 6. ये हुआ v की वैल्यू करेक्ट है. और अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में कौन सा सही लग रहा है, अगर इसको ऐसे लिखूं 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 839 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड. देखो जरा सही लिख रहा है 8.83, ये सबसे क्लोज है, 0.84 इंटू 10 टू पावर 7 करेक्ट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.